अफसोस की बात मारी बदकिस्मती हम सादा लोग उसने मना नहीं सही तो वो डीपी में क्या आदत बजे अगर मेरा मजाक पंचायत ही नहीं सही क्यों पिया चीज मुश्किल आ गई दूसरा मारा रोड़ा उसने रोड रोकी है मारी कुछ अपनी नाशपाती भी था इंसान ने अपने खुद अलग कर लो यानी कि किसी ने गवर्नमेंट ने मारा काम उनके उसके बाद मारी कोई नाशपाती है जो सब तो मेरी इसका सब पाई जाना पाबंदी के अंदर पंच गाना नमाज ना करो अल्लाह हुक्म और क्या मुझे कहना नमाज के बारे में कुछ रहेगी जब हम अल्लाह का हुक्म का इतनी पायत है उसको ज्यादा है उसको वो होल जेड में बिल्कुल खत्म उसमें पाइप को मैं आई हूं ना बताया था ना क्या जरूरत है उसको भी कुछ नहीं भाई तब मैंने वार्ड नंबर भी लिखा वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 1 तो मैं सर आप हां 5 से 3 या 5 आज मैंने अपनी एक पंचायत है मल्हान जो कि सबसे बैकवर्ड पंचायत हम कहें तो हो सकती है बड़े फार फ्लंग एरिया में ये पंचायत पड़ती है मल्हान। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन लोगों का है वो है इनकी रोड कनेक्टिविटी का। इन लोगों को आज भी मैंने देखा यहाँ पे विज़िट लिया और मैं खुद चल के गई इनकी एक दो वार्ड में मैंने विज़िट किया तो इनको रोड का सबसे बड़ा मसला है। दूसरा अगर हम देखें तो इनको लाइट का जो मसला है इनकी तारें आज भी पेड़ों पर लटक रही हैं।
यहाँ के जो सरपंच साहब है, इवन के उनके घर के पास भी मैंने कोई पोल नहीं देखा। उनकी जो घर की लाइट है वो भी पेड़ों से होके तारें आ रही है, तो उनके घर में लाइट आ रही है। सबसे बड़ा मसला इनका लाइट का है, रोड कनेक्टिविटी का है, और पानी का तो वही सेम, हर जगह वही प्रॉब्लम। पाइपें पता नहीं कब लगी थी, इतने सालों पहले पाइपें वही पड़ी हुई हैं। मेरे आने का मकसद यही था कि मैं खुद विजिट लूँ यहाँ पे, आके ग्राउंड लेवल पे देखूँ। तो उसके बाद मैंने इन लोगों को एश्योर किया कि मैं जल्दी एक दरबार लूँगी इन लोगों के साथ, सब डिपार्टमेंट को ला के, डिपार्टमेंट वाले खुद भी यहाँ पे आके विजिट करेंगे। तो इंशाल्लाह यकीन है कुछ ना कुछ किसी हद तक में कुछ ना कुछ इनका जो भी प्रॉब्लम है वो हल हो सके बोले। और मल्हान के लोगों के लिए मैं स्पेशली मेरा ये मैसेज है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी पंचायत में आके, मुझे लोगों ने बहुत प्यार और इज्जत दी, और काफ़ी जो यहाँ के सिटीजन थे, पंच सरपंच तो आए थे, और काफ़ी जो यहाँ के लोकल से उन्होंने भी अच्छे पार्टिसिपेट किया, और मुझे बहुत ही प्यार मिला यहाँ पे आके। उन्होंने अपने जो भी मसले थे मेरे साथ अच्छे से डिस्कस किए, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे ही यहाँ पे विजिट लेती रहूँ और कुछ ना कुछ इन लोगों के मसले किसी हद तक तो हल कर सकूँ। बोले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम ये आज हमारी DDC मैडम रक्साना कोहली पंचायत मैलान का दौरा करने के लिए यहाँ आए, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के पहले यहाँ कोई भी किसी भी किस्म का कोई मुलाजम यानी यहाँ तक नहीं आया। तो इन्होंने यहाँ हमारी पंचायत मैलान का दौरा किया और देखा, सब कामों का जायज़ा लिया। तो हमें उम्मीद भी है कि जो कुछ हमने इनके पास लिखवाया है या इन्होंने लिखा है, जो हमारी डिमांडें हैं, वो हम यकीन करते हैं कि इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। तो हमें ये बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ DDC मैडम जी ने दौरा लगाया है और देखा है, सब लोगों के साथ सलाम दुआ भी किया और कामों का जायज़ा भी लिया, और हमारे जितने तरक्याती काम थे उनका भी जायज़ा लिया। और ठीक इनका दौरा जो है वो यहाँ इसमें गांव मलान में, पंचायत मलान में रहा। तो हम सब जितने भी लोग थे वो यहाँ इनके साथ हमने कॉपरेट किया और बैठे बातचीत की, अपने अपने मसाइल जो थे वो सब लोगों ने रखे, और हम यकीन दिलाने करते हैं कि इंशाअल्लाह, उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी डिमांडें हैं वो पूरी हो जाए।